नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 का चौथा भाग करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास है 5 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर 2, 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो इसको बच्चों रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे x माइनस वन है y माइनस टू, x माइनस वन है y माइनस टू, ये नीचे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मान लो वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक बटा एक्स माइनस एक, ये बराबर है a के, और वन अपॉन वाई माइनस टू ये बराबर है b के। तो आइए देखते हैं, अब हमारी जो रकम बनेगी वो क्या बन जाएगी, पांच वन अपॉन एक्स माइनस वन की जगह हो जाएगा ए, प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू की जगह क्या हो जाएगा बी बराबर टू। यहां देखिए ये है छे, वन अपॉन एक्स माइनस वन की जगह हो जाएगा ए माइनस तीन, वन अपॉन वाई माइनस टू की जगह हो जाएगा बी बराबर वन। तो ये हमारे पास दो समीकरणें आ गई, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन वन को थोड़ा सा हल करते हैं। इसमें मेरे को देख रहा है ए के साथ पांच है, बी के साथ नहीं है, तो मैं बी को यहां छोड़ता हूँ, ए को उधर लेके जाता हूँ। दो पांच है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस है। ये जो बी की वैल्यू आई इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर तीन, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, और ये बी की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू है 6a माइनस माइनस 3 इंटू बी, बी की जगह लिखो जो बी हमने अभी निकाला 2 माइनस 5 है बराबर यहां है 1। इसे हम हल करते हैं, यह है 6a, 3 को 2 से गुना कर दिया माइनस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 को 5a से गुना कर दिया तो आ गया 3 5 15a, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, हाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये माइनस 6 हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यहां बन गया 6a प्लस 15a, 6a प्लस 15a होता है 21a। अगले स्टेप में 6 प्लस 1 होता है 7, 21 इधर a के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग, ये 7 और 21 आपस में कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, इसका अर्थ ये है कि a हमारे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया है। अब हम इस a की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन तीन में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थ्री। तो b बराबर 2 माइनस 5 इंटू ए, ए है 1/3। ठीक है बच्चों, इसे हमने हल करना है, दो के नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो ये बन गया 2 माइनस 5 एकम 5/3, दो के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, 3 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 3, 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को 2 से गुना किया 3 दूनी 6, माइनस 3 को 3 से भाग किया 1, एक को ऊपर 5 से गुना किया 5, 6 में से 5 निकाला 1, नीचे है 3। इसका अर्थ यह है कि b हमारे पास कितना आ गया है, 1/3। तो आपने देखा कि हमारे पास a का मान भी है 1/3 और b का मान भी है 1/3। आइए अब हम आगे देखते हैं, हमें लेकिन a और b नहीं निकालने, हमारा क्वेश्चन x और y में है, हमें x y ही निकालने हैं। अब x क्या है, 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर a, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर ए है, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर ए, ए किसके बराबर है, 1/3 के,
इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तीन एक्स माइनस वन जब वन से गुना होगा तो बन जाएगा एक्स माइनस वन बराबर तीन, एक से गुना होकर हो जाएगा तीन एक्स बराबर तीन, वन इधर माइनस हो रहा उधर आके हो गया प्लस, तो एक्स बराबर तीन प्लस एक हो गया चार। ये एक्स का मान हमारे पास आ गया है एक्स बराबर चार, ठीक है, ये हमारे पास एक्स का मान आ गया है। हमने कैसे किया था इसको, वन अपॉन एक्स माइनस वन जो हमने शुरू में लिया था, मान लो वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर ए, तो जितना ए का मान था वन अपॉन एक्स माइनस वन को ए के मान के बराबर रखा, इसे हल कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे जो हमने दूसरा ऊपर लिया था वो क्या लिया था, वन अपॉन वाई माइनस टू बराबर बी, वन अपॉन वाई माइनस टू बराबर बी, इसे हल करते हैं तो वन अपॉन वाई माइनस टू बराबर बी, बी किसके बराबर आया है अभी वन अपॉन थ्री के, तो बी की जगह लिख दो वन अपॉन थ्री, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, वन वाई माइनस टू को जब वन से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस टू बराबर तीन को एक से गुना करेंगे तो आ जाएगा तीन, ठीक है। आप उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से y बराबर हो गया तीन, माइनस दो है जब ये उधर रहेगा तो हो जाएगा प्लस दो, तो यहाँ से हमारे पास आ गया तीन प्लस दो पाँच, इसका अर्थ ये है कि y कितना आ गया है पाँच। तो हमें जो समीकरण दी हुई थी इसका हमें मान निकालना था, तो वो हमने x बराबर चार और y बराबर पाँच निकाल दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, यदि आपको अच्छे से वीडियो समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।